केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक खाली सीटों की इस समस्या के समाधान के लिए मंत्रालय को एक समिति का गठन करना पड़ा। कमेटी ने इस मुद्दे के समाधान के लिए मंत्रालय को कई सुझाव दिए हैं। पिछले साल गठित इस कमेटी ने इस साल के शुरू में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। देश के सभी IIT संस्थानों में कुल मिलाकर लगभग 11,000 सीटें हैं। साल 2013 से अब तक कुल 274 सीटें खाली छूट चुकी हैं। बात शुरू से करें तो साल 2013 में 15 सीटें खाली रही थी, जबकि 2014 में 5 और 2015 में 39 सीटें खाली रही। इसी तरह 2016 में 96 और साल 2017 में 121 सीटें खाली रह गईं। IIT BHU में बाकी 23 संस्थानों के मुकाबले पिछले 5 साल में सबसे अधिक सीटें खाली रही हैं। IIT BHU में 2013 और 14 में 4-4 सीटें खाली रह गई थी, जबकि 2015 में 18 और साल 2016 में 38 सीटें खाली थी। इसी तरह 2017 में 32 सीटें खाली रह गई। कानपुर और IIT हैदराबाद में 2013 से 2017, जबकि IIT दिल्ली में 2013 से 2015 के बीच एक भी सीट खाली नहीं रही थी। साल 2016 और 2017 में IIT दिल्ली में 2-2 सीटें खाली रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।